कल रात को रात में इतनी देर तक लाइट गोल हुई आंधी और बारिश के साथ। क्या आप लोगों के भी यहाँ भी हुई? कमेंट से उन्हों का तो जरूर बताना। हम गए पॉलीकार्बोनेट शीट देखने के लिए क्योंकि अब्बू का काम था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे अब्बू का कुछ काम था तो हमने कुछ शीट वगैरह देखे। उसके बाद वहीं एक सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी के पीछे बकरा मंडी लगती है, मतलब बकरीद के टाइम में लगती है। और सैटरडे था तो मतलब सैटरडे को ही लगती है हमारे यहाँ। फ्राइडे सब बिज़ी होते हैं नमाज़ वगैरह में, और बाकी डेज तो लगती नहीं है। संडे में सब छुट्टी पे होते हैं, सैटरडे फ्री रहते हैं वीकेंड पे, तो वो लगाते हैं मार्केट पे अपना। और वहाँ और भी कहीं कहीं से लोग बेचने आते हैं। तो मेरे भाई भाई आपको कैसा लगा इतनी सारी गोट्स देखकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब उसका दिल खुश हो गया। मेरे चाचू के पास भी बहुत बड़ा बकरा है। हमें चाचू उसको जिबानी करेंगे, उसको पालेंगे। मैं अपने चाचू से एक बकरा मांगा हूँ, उसको मैं बड़ा करके इंशाल्लाह अगली बकरी में काटूँगा। अपने चाचू के ज़्यादा उससे भी उसको पाल पोष के बड़ा करूँगा, अगली बकरी में उसको जिबा करूँगा इंशाल्लाह। मेरे भाई को पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो बातें करते करते मम्मी को उधर खाने के लिए परेशान करने चले गया। अब वो बहुत ज़्यादा शैतान है। देखिए कैसे ऑरेंज कलर की टी शर्ट में ये सामने वाला ही खड़ा है। ये देखिए पापा के साथ जा रहा है। और फिर हमने मार्केट घूमा, फिर हम घर आए। और मेरी एक पेट का फ़ोटो है आगे, जो मेरी लाडली थी, बट आज की डेट में वो नहीं है। तो हम मुझे थोड़ा सा इमोशनल लगता है उसके लिए, मतलब थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं अभी भी बना कर से हंसू। और यस, उससे पहले भी मैं एक हैन रखी थी, जब उसकी मदर ने एग ले कर रहा था ना, तब से मैंने उस एग को संभाल के अपने गांव में रख दिया था। मैंने कहा था जब भी इससे जो भी बच्चा निकलेगा वो मेरा होगा, मतलब मैं रखूँगी। तो अम्मा बाबू की पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, अम्मा बाबू से मिलने जाऊँगी अभी बकरीद में, तो मैं आप लोगों को उनसे मीट करवाऊँगी कुछ ही दिन है। और मैं आपकी पूरी स्टोरी आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी। तो वहाँ मैंने रखवा दी थी, उसके बाद मैं उसको लेकर आई। उसकी कुर्बानी हुई थी ना, मतलब जब उसको अब्बू ने ज़िबा करा था, तो ना मैंने उसको खाया था ना मैंने किसी को खाने दिया। और मेरी क्राइंग की वीडियो आ गई, आप लोग देखिए। मैंने इनको 2 ईयर्स पहले लेकर आई थी, बट मैंने जब अभी अपनी मुर्गी वाली वीडियो सर्च करी ना, मतलब जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे ये वीडियो मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मैं दिखा दूँ। क्राइंग की वीडियो आ गई, आप लोग देखिए। आई वाज क्राइंग, बहुत ज़्यादा रो रही थी फ्रेंड। फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा हौसला बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ये मेरी यूना फॉल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।